हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड इट्स मी शारदा मंडलेकर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट एंगल ऑफ द राइट एंड स्ट्रेट ओके एंड इन द लास्ट लेक्चर वी आर ऑलरेडी कंप्लीटेड एक्सरसाइज 5.1 ओके सो टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट इट दिस टॉपिक एंड एक्सरसाइज 5.2 ओके सो स्टूडेंट्स एंगल्स व्हाट इज एंगल्स So we are already read about in the last chapter, okay? Angles क्या होते हैं? Angles का starting point तो होता है, but ends point नहीं होता. ये आगे not ends. ये आगे जितना चाहे उतना बढ़ सकती है, okay? And two rays के बीच में जो angle find होता है, उसे हम बोलते हैं angle, okay? एंड इसे अगर हम ओ नेम देंगे तो इसे ए एंड बी तो इसे हम बोलेंगे ए एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ ए और एंगल ओ बी बोल सकते हैं बट एंगल ओ ए बी नहीं बोल सकते बिकॉज एंगल कहाँ बन रहा है वर्टिक्स पॉइंट ओ है तो इस पॉइंट में एंगल बन रहा है इसलिए हम ये नाम या ये नाम ले सकते हैं ओके ए में एंगल नहीं बन रहा है सो हम इसको इज नॉट कॉल्ड बी एंगल ओ ए बी ओके सो स्टूडेंट्स एंगल तो हमने समझा था पिछले चैप्टर में बट इसमें समझेंगे हम कि राइट एंगल क्या होते हैं एंड स्ट्रेट एंगल क्या होते हैं ओके So students, you have heard of directions in geometry. We know that China is to the north of India. India के according China कहाँ है? North में है. And Sri Lanka कहाँ है? South में है. Okay? So अब हम उसे pointing करेंगे. So हम किस प्रकार करेंगे? देखिए. The sunrise. सूर्य उदय कहाँ से होता है? ईस्ट से एंड सेट्स इन द वेस्ट एंड सूरज जब डूबता है वो उसका डायरेक्शन वेस्ट ओके ईस्ट एंड वेस्ट ईस्ट से सनराइज एंड ईस्ट सॉरी सनसेट वेस्ट ओके देयर आर फोर मेन डायरेक्शन होते हैं सो इट इज कॉल्ड बी नॉर्थ एंड नॉर्थ साउथ सॉरी नॉर्थ के बाद साउथ यहाँ आएगा ओके इसे हम कैपिटल एस से डिनोट करेंगे देन इट इज वेस्ट ओके सो स्टूडेंट सनसेट होता है ईस्ट से एंड सॉरी सनराइज होता है ईस्ट से एंड सनसेट होता है वेस्ट से ओके सो ये हमारे फोर मेन डायरेक्शन होते हैं अगर हमारे क्वेश्चन में भी गिवन होते हैं सो उसमें यही बताता है सो उसमें अगर बोले कि एनी पॉइंटिंग किसी पॉइंट में खड़े होकर आपको मोड़ने बोलेगा सो आप जब इमेजिन करेंगे तो इसी डायरेक्शन के हिसाब से इमेजिन करेंगे ओके सो अब हम आगे देखते हैं डू यू नो विच डायरेक्शन इज अपोजिट इज नॉर्थ नॉर्थ के अपोजिट में क्या है साउथ है ओके विच डायरेक्शन इज अपोजिट टू वेस्ट वेस्ट के अपोजिट में क्या है ईस्ट है जस्ट रिकलेक्ट वाट यू नो ऑलरेडी We now use the knowledge to learn a few properties about angles stand facing north. Okay, so students आप देखिए north से east में north से east की अगर जाएंगे east की ओर जाएंगे अगर कोई ऐसे खड़ा है and उसे east की ओर मुड़ने बोला गया तो वो ऐसे मुड़ेगा ये क्या कहलाता है clockwise okay clock 12 यहाँ रहता है 12 1 2 3 4 5 6 ऐसी रहती है क्लॉक ओके
सुई के जो हावर एंड एंड मिनट एंड सेकंड है ना, वो इसी प्रकार घूमते हैं। अगर कोई एनी पर्सन यहाँ खड़ा है नॉर्थ की तरफ मुंह करके, देन अगर वो ईस्ट की ओर मुड़ रहा है, ये क्या हुआ? क्लॉकवाइज हुआ। ओके, एंड इसे ही हमें क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे राइट एंगल। राइट एंगल, इट इज कॉल्ड बी राइट एंगल। ओके, एंड देन ईस्ट के बाद अगर वो साउथ की तरफ मुड़ रहा है, ये भी क्या होगा? राइट एंगल होगा। राइट एंगल, ओके। देन एज वेल एज अगर वो ऐसे मुड़ रहा है, ये भी क्या होंगी? ये भी राइट एंगल होंगे। ये दोनों एंगल अगर वो डायरेक्ट नॉर्थ से डायरेक्ट साउथ में आएगा, अगर वो डायरेक्ट नॉर्थ से साउथ में आएगा, इसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नॉर्थ से साउथ की तरफ जो लाइन है वो क्या है? वो बिल्कुल स्ट्रेट है। स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स, अगर कोई ऐसे घूम रहा है नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है, उसे हम क्लॉकवाइज नोट करेंगे। एंड अगर कोई नॉर्थ से इस साइड से साउथ में आ रहा है, हम उसे एंटी क्लॉकवाइज नोट करेंगे। नॉर्थ से साउथ की ओर आ रहा है और दोनों जो लाइन है वो नॉर्थ से साउथ की ओर आ रहे हैं, बट नॉर्थ से साउथ की ओर क्लॉकवाइज आते समय टाइम बीच में क्या आ रहा है? ईस्ट आ रहा है। ओके, इसमें दो एंगल बनेंगे। ये दो टू अलग, नॉर्थ से पहले ईस्ट में आएगा वन राइट एंगल, एंड नॉर्थ ईस्ट से साउथ में आएगा सेकेंड राइट एंगल। नॉर्थ से साउथ में अगर डायरेक्ट काउंट करेंगे वन राइट एंगल बन रहा है। वन स्ट्रेट एंगल, वन स्ट्रेट एंगल, वन स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू टू राइट एंगल। टू राइट एंगल, ओके। एज वेल एज नॉर्थ से ईस्ट में आया वन राइट एंगल, एंड ईस्ट से साउथ में आया टू राइट एंगल, एंड साउथ से अगर वो जाएगा वेस्ट में ये थर्ड राइट एंगल, एंड वेस्ट से जाएगा फिर से नॉर्थ में, अगर उसे अपनी पुरानी पोजीशन में जाना है वो ऐसे घूमते हुए जाएगा। ओके, क्लॉकवाइज घूमते हुए जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज? अब हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं, क्लॉकवाइज फाइंड कर रहे हैं। फर्स्टली नॉर्थ से ईस्ट में, ईस्ट से साउथ में, साउथ से वेस्ट में, वेस्ट से नॉर्थ में। ओके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ राइट एंगल हो गया, फोर्थ राइट एंगल। ओके, वन स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू होगा टू राइट एंगल। ओके, देन इस साइड भी ऐसे ही होगा, इस साइड भी टू राइट एंगल इज इक्वल टू वन स्ट्रेट एंगल। ओके, देन अगर नॉर्थ से स्टार्ट होके वह अगर नॉर्थ में ही चला जाए तो वो पुरानी पोजीशन में हो जाए, उसने एक कंप्लीट सर्कल पूरा कर लिया। ओके, या हम ये कह सकते हैं कि वन रिवॉल्यूशन पूरा कर लिया। जैसे 12 से अगर हावर हैंड 12 से स्टार्ट होके 12 में ही जाएगा, शब सॉरी हावर, हावर हम कैसे नोट करते हैं वाट क्लॉक में? 12, 12 से 1 में हावर हैंड जब जाता है, तब मिनट का जो हैंड है, मिनट हैंड वो 12 से 12 में जाएगा, वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, तब वो हावर हैंड 12 से 1 में जाएगा। ओके, एज वेल एज फोर
राइट एंगल। तो ये क्या बनेगा? कंप्लीट एंगल। ओके, हम इसका स्मॉल पिक्चर बना देते हैं। कंप्लीट एंगल किसे बोलेंगे? ये होगा कंप्लीट एंगल। ओके, इट इज कॉल्ड बी कंप्लीट एंगल इक्वल टू फोर राइट एंगल। ओके, आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट, फोर राइट एंगल इज इक्वल टू कंप्लीट एंगल एंड टू स्ट्रेट एंगल बन रहे हैं। ये एक स्ट्रेट एंगल एंड ये एक स्ट्रेट एंगल। सो हम इसे ऐसे भी नोट कर सकते हैं, फोर राइट एंगल इसी में आप समझिए, टू स्ट्रेट एंगल। टू स्ट्रेट एंगल, ओके, टू स्ट्रेट एंगल भी कह सकते हैं हम। छोटा का स्क्रीन शॉट। देन स्टूडेंट, आप देखिए, ये वन राइट एंगल है। सो वन राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ओके, देन ये वन टू राइट एंगल एंड इट इज वन स्ट्रेट एंगल। सो वन स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 स्ट्रेट एंगल। एंड इसी में आप समझिए, ये क्या है? ये कंप्लीट एंगल है। सो कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री। 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट मैंने आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया है। ओके, सो टेक ए स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इन योर मैथमेटिक्स बेस में बुक्स पेज नंबर 90, थिंक डिस्कस एंड राइट। उसमें क्या दिया है? बाय हाउ मेनी राइट एंगल शुड यू टर्न इन द सेम डायरेक्शन टू रीच योर ओरिजिनल पोजीशन। ये हमारी ओरिजिनल पोजीशन है, इसमें हम कितने डायरेक्शन लेंगे तब हम ओरिजिनल पोजीशन पहुंचेंगे, ये हमें फाइंड करना है। टर्निंग बाय टू स्ट्रेट एंगल, टू स्ट्रेट एंगल हमें देखो, ये वन टू राइट एंगल एंड इट इज वन स्ट्रेट एंगल एंड इट इज वन स्ट्रेट एंगल। सो टोटल कितने स्ट्रेट एंगल हो गए? टू स्ट्रेट एंगल हो गए। सो टू स्ट्रेट एंगल हमें अपनी पुरानी पोजीशन में पहुंचने में लगेंगे। ओके, एंड फोर राइट एंगल इन द सेम डायरेक्शन मेक्स अ फुल टर्न, दिस वन कंप्लीट टर्न इज कॉल्ड वन रिवॉल्यूशन। जैसे ये अपनी पुरानी पोजीशन में पहुंच गया, सो इसके हम क्या बोलेंगे? वन रिवॉल्यूशन। ओके, अगर हावर हैंड में अब हम फाइंड करेंगे, सो हावर हैंड 12 में था पहले, देन वन वन रिवॉल्यूशन, फिर ए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ट्वेल्व से वन में पहुंचेगा। सो वो अपना वन रिवॉल्यूशन पूरा कर चुका होगा। ओके, जैसे हावर हैंड है, अगर वो फर्स्ट में 12 पोजीशन में था, सो अब वो ऐसे घूम के 12 में पहुंच जाएगा, बट वो हावर हैंड वहां पर न रह के वन में जाएगा। ओके, सो ये अपनी कंप्लीट 12 में होगा, 12 में जब पहुंचेगा सो अपनी वो कंप्लीट वन पोजीशन पूरी कर चुका होगा, कंप्लीट कर चुका होगा। सो उसे हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन दैट मीन्स चक्कर। सो वन रिवॉल्यूशन दैट मीन्स एक चक्कर। ओके, सो ये होगा कंप्लीट एंगल बन रहा है एंड इसे वन रिवॉल्यूशन। ओके,
वन रुपए लिखा। सो टेक स्क्रीनशॉट, इसके आगे हम पढ़ेंगे स्मॉल सम पॉइंट्स। सो स्टूडेंट लुक एट दिस पिक्चर, 12 में है हावर हैंड, देन वो 6 में पहुंचेगा। ओके सो वो 2 इस फॉर्म में रहता है, वॉच जो हमारी क्लॉक है वो इस फॉर्म में हो रहती है। ओके यहाँ 12 के अपोजिट साइड 6 एंड 3 के अपोजिट साइड 9। ओके 4 पार्ट्स में डिवाइड रहती है, हम समझ सकते हैं। ओके सो यहाँ से एक वन राइट एंगल एंड इट इज टू राइट एंगल एंड इट इज वन स्ट्रेट एंगल। ओके सो ये हमारा क्या बन रहा है, वन स्ट्रेट एंगल। एंड पहले यह आवर हैंड यहाँ था 12 में, देन वो 6 में पहुंचा। ओके सो फ्रॉम 12 टू 6, देन अब ये कितना रिवॉल्यूशन पूरा कर रहा है, हमने पिछले एग्जाम्पल में समझा। अगर वो ऐसा कंप्लीट करता है तो वन रिवॉल्यूशन पूरा करता है। अब यहाँ पर ये आधे में ही हो रहा है, 12 से 6 में आएगा तो ये क्या होगा, हाफ रिवॉल्यूशन। हाफ रिवॉल्यूशन को हम ऐसे डिनोट करेंगे, 1/2 ऑफ रिवॉल्यूशन। ओके रिवॉल्यूशन और टू राइट एंगल बन रहे हैं, टू राइट एंगल। ओके या फिर आप फ्रैक्शन में डिफाइन करना है हमें, तो फ्रैक्शन वी आर ऑलरेडी लर्न अबाउट व्हाट इज फ्रैक्शन। ओके सो वन, पहले एक वन सर्कल था उसे हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, देन अब हम डिनोट करेंगे यहाँ से यहाँ तक गया, सो ये पार्ट उसने कवर कर लिया। ओके सो अब हमें इस पार्ट्स का फाइंड करना है, सो कितने पार्ट्स है टोटल, डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट्स आते हैं। ओके फ्रैक्शन में आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं, या घड़ी जो क्लॉक होती है उसे आप फोर पार्ट में डिवाइड करके भी समझ सकते हैं। ओके सो टेक अ स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट लुक एट दिस पिक्चर, सो फ्रॉम 6 to 9, आप देख सकते हैं 6 to 9 में गया एंड वन राइट एंगल। ओके 6 to 9 में गए सो वन राइट एंगल, एंड इसने कितने पार्ट्स कितना रिवॉल्यूशन किया ये हमें फाइंड करना है। अगर 12 से 12 में जाता है या 6 से 6 में, सो वन रिवॉल्यूशन पूरा कंप्लीट करता है। ओके सो इसने अब कितना रिवॉल्यूशन पूरा किया है वो आप देखिए, आप रफ में मैं ये समझा रही हूँ, ये 12 6 एंड 3 एंड 9। ओके सो 6 एंड 9 इतना हमें फाइंड करना है। ओके इतने में राइट एंगल, वन राइट एंगल फाइंड हो रहा है। सो कितने पार्ट्स होते हैं, टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। ओके टोटल 4 पार्ट्स होते हैं वॉच क्लॉक के, सो टोटल 4 राइट एंगल बनते हैं। देन अब हमें वन वन राइट एंगल इसने कंप्लीट किया एंड वन रिवॉल्यूशन में हम फाइंड करेंगे, सो इसने 1/4 जो रिवॉल्यूशन है वो कंप्लीट किया। ओके या फिर आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं, ये हमें फ्रैक्शन वन पार्ट का फाइंड करना है। ओके टोटल जो क्लॉक के पार्ट्स होते हैं वो 4 ही होते हैं, 1/4। अब हमें फाइंड करना है इस वन पार्ट्स का, सो वन में मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 ही आएगा। एंड लास्ट में जो मैंने एग्जाम्पल समझाया था उसमें क्या था, उसमें 12 एंड से हम 1/4 लिखेंगे। ओके नोट करेंगे, देन लास्ट में मैंने समझाया था उसमें 12 to 6 1/2 थे। ओके सो 1/2 कैसे आए, अब ये समझ सकते हैं आप, ये मैं समझा रही हूँ आपको अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन। सो घड़ी के क्लॉक के टोटल 4 पार्ट्स होते हैं, यहाँ से अगर हम डिवाइड कर दें तो 1 2 3 4 4 पार्ट्स होते हैं। डिनोमिनेटर में आप 4 फाइंड कीजिए, न्यूमरेटर में आप आधा, सो 1/4, देन मल्टीप्लीकेशन। सो अगर ये स्ट्रेट लाइन दी थी 12 से 6 में था एंड वन स्ट्रेट लाइन एंड पार्ट्स कितने हुए, 2 पार्ट्स हुए, 2 का मल्टीप्लीकेशन 2 2 जब 4, सो 1/2 आएगा। एंड हेयर हेयर
वन अपॉन फोर तो होगा, बट हमें वन पार्ट का फाइंड करना है, सो वन अपॉन फोर ओके। एंड वहां पर हमें टू पार्ट्स गिवन थे, टू पार्ट्स हो रहे थे ओके। सो हमने न्यूमरेटर में हम क्या फाइंड करते हैं, जो हमें फाइंड पार्ट्स करने होते हैं वो हम फाइंड करते हैं। सो आप इस प्रकार फ्रैक्शन से भी समझ सकते हैं, या रिवॉल्यूशन या क्लॉक का एग्जांपल तो इजी है। फोर पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 3 to 9, फोर राइट एंगल फाइंड होते हैं ओके। सो ये वन वन राइट एंगल यहाँ फाइंड हो रहा है, सो ये वन राइट एंगल बनेगा। एंड रिवॉल्यूशन में हम लेंगे रिवॉल्यूशन कितना कंप्लीट कर रहा है, सो वन अपॉन फोर ऑफ रिवॉल्यूशन, वन अपॉन फोर रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है ओके। बिकॉज आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक क्लॉक के फोर पार्ट्स होते हैं, सो ये वन पार्ट ही कंप्लीट कर रहा है ना, सो अब हम उसे वन अपॉन फोर ही फाइंड करेंगे। अगर वो आधा पार्ट कंप्लीट करता, दैट मीन्स वन वन क्लॉक का आधा पार्ट कंप्लीट करता, सो वन अपॉन टू ओके, आधा पार्ट कंप्लीट करता है। सो टेक आ स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट लुक एट दिस पिक्चर, इसमें क्या है, 1 to 10, फ्रॉम 1 to 10, 1 to 10, 1 से यहाँ पर इतना घूम के यहाँ 10 में जाएगा ओके। देन अब ये रिवॉल्यूशन कितना कंप्लीट कर रही है, अगर 12 to 12 कंप्लीट करती है, 1 to 1 कंप्लीट करते, सो उसे वन रिवॉल्यूशन कहते हैं हम ओके। सो अब यहाँ पर आप समझिए, और यहाँ राइट एंगल कितने बनेंगे। तो अभी तक हम क्या ले रहे थे, अभी तक हम इसे क्लॉक को हम इस वे में ले रहे थे, अब हम इसे वन, सो वन किस डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन, सो अब हम उसे इस डायरेक्शन में लेंगे ओके। अब वन है सो इस डायरेक्शन में लेंगे, सो वन राइट एंगल, टू राइट एंगल, थ्री राइट एंगल ओके। सो कितने राइट एंगल कंप्लीट कर रहा है, थ्री राइट एंगल कंप्लीट कर रहा है। सो अगर राइट एंगल फाइंड करने बोलेगा, सो हम थ्री राइट एंगल बोलेंगे इस प्रकार से ओके। अब देखिए आप रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन कितने कंप्लीट कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक वन अपॉन फोर, यहाँ से यहाँ तक होता है वन अपॉन टू, एंड इट इज थ्री अपॉन फोर। इसे आप इस टाइप से भी ले सकते हैं कि वन अपॉन फोर, वन वाच के फोर पार्ट्स, देन इसने कितने पार्ट्स का हमें फाइंड करना है, इतने पार्ट्स इसने कंप्लीट कर चुका है ओके। थ्री राइट एंगल, दैट मीन्स थ्री पार्ट्स कंप्लीट कर चुका है, थ्री का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, थ्री अपॉन फोर आ जाएगा हमारे एंगल में ओके। या फिर आप फ्रैक्शन से समझिए, फ्रैक्शन से ये एक एंड टेन, वन एंड टेन, सो इसने इतना तो घूम चुका है, दैट मीन्स इतना उसने कंप्लीट कर चुका है। तो थ्री पार्ट्स, थ्री थ्री न्यूमरेटर में, थ्री न्यूमरेटर में होगा, एंड टोटल पार्ट्स कितने थे, फोर, सो फोर डिनोमिनेटर में। तो इस प्रकार से भी हम रिवॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट लुक एट हेयर, एक्सरसाइज 5.2 के फर्स्ट नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, 3 to 9, इसे हमें फ्रैक्शन में डिवाइड करना है। सो क्लॉक क्लॉक बना लीजिए आप, यहाँ 12 6 3 9, सो 3 to 9 दिया है ओके। 3 to 9 आप क्लियरली बनाएंगे ओके, 3 to 9। सो ये क्या है, वन स्ट्रेट एंगल एंड टू राइट एंगल, सो यहाँ पर क्या होंगे, टू राइट एंगल, एंड रिवॉल्यूशन में हम लेंगे, सो रिवॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे, सो वन अपॉन टू ओके। तो रिवॉल्यूशन में क्या आएगा, वन अपॉन टू ऑफ रिवॉल्यूशन ओके। बिकॉज अगर हम फ्रैक्शन में इस प्रकार डिवाइड करेंगे, इतना तो इतना चल चुका है, दैट मीन्स टू राइट एंगल बन रहे हैं, दैट मीन्स इतना उसने चल चुका है, इतने का हमें फाइंड करना है। सो कितने का फाइंड करना है, वन का, एंड टोटल पार्ट्स कितने होंगे, टू होंगे, अगर वो इतना चलेगा तो टू होंगे। अगर हम इसे क्लॉक वाइज में लेंगे, सो क्लॉक में लेंगे, सो फोर पार्ट्स होते हैं, वन अपॉन फोर नोट किए, देन मल्टीप्लीकेशन कितने का करेंगे हम, टू पार्ट्स हो रहे हैं ओके, टू पार्ट्स हो रहे हैं, अगर वो इतना चलेगा सो वाच के टू पार्ट्स हो गए, टू से मल्टीप्लीकेशन, टू टू जब फोर, सो आंसर क्या आएगा, वन अपॉन टू ही आएगा।
ओके सो आप इतना इतना समझते हुए आप इतना ही समझिए. ओके, टू राइट एंगल दैट मीन्स टू राइट एंगल एंड रिवॉल्यूशन कितना कंप्लीट करेगा. सो आधा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, हाफ रिवॉल्यूशन. तो हाफ को हम फ्रैक्शन में 1/2 में डिनोट करेंगे. सो स्टूडेंट्स टेक अ स्क्रीनशॉट. एज वेल एज अगर आपको इस फॉर्म में गिवन है कहाँ से कहाँ तक जा रही है, मार्क्स स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है. सो आपको अगर पिक बनाना है या हैंड में क्लॉक में शो करना है, सो आप इस प्रकार कर सकते हैं. अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन है सो इस प्रकार करना है. जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड इस फॉर्म में आपको गिवन है, आपको क्लॉक फाइंड करना है. ओके सो जैसा हमारे पास दिया रहेगा 1/2 एंड 12 o'clock स्टार्टिंग पॉइंट. सो स्टार्टिंग पॉइंट हम नोट करेंगे इसमें ऐसे एंड 1/2 तो उसके सीध में. अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 9 होगा. ओके सो क्वेश्चन फोर्थ का फर्स्ट देखिए. ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ. ईस्ट कहाँ होता है, यहाँ क्या होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. ओके सो ईस्ट से वो टर्न करेगा नॉर्थ की ओर. सो उसे कितने राइट एंगल चलने होंगे, 1 2 3, 3 राइट एंगल वो कंप्लीट करेगा. ओके सो 3 राइट एंगल कंप्लीट करेगा. अब हम इसे फ्रैक्शन में कैसे डिफाइन कैसे डिनोट करेंगे वो देखिए. आप फ्रैक्शन में 3 राइट एंगल एंड टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4 डिनोमिनेटर में एंड 3 राइट एंगल कंप्लीट कर चुका है. सो 3/4. ओके 3/4 क्या होगा, रिवॉल्यूशन. सो टेक अ स्क्रीनशॉट. सो एज वेल एज आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके सो स्टूडेंट दिस इज योर होमवर्क एक्सरसाइज 5.2 ऑफ पेज नंबर 91. 91 में एक्सरसाइज भी गिवन है एंड प्राइजेस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी गिवन है. ओके एंड 92 पेज नंबर में भी है सम क्वेश्चन. ओके इन योर मैथमेटिक्स बुक एनसीईआरटी. ओके थैंक यू.